हेलो स्टूडेंट, हाय। आज जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। ये फिजियोलॉजी का चैप्टर पढ़ने से पहले इस चैप्टर को पढ़ना और इस चैप्टर पे नजर रखना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बेसिक कंसेप्ट के बाद हम ह्यूमन फिजियोलॉजी की तरफ जाएंगे। तो इस चैप्टर में आपके एनसीईआरटी में जो मेंशन किया है वो ज़्यादा फोकस हमने टिश्यू के ऊपर देना है, और टिश्यू से पहले थोड़ी सी जानकारी होना बड़ा ही नीड है और ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें, कोई भी इंडिविजुअल चाहे वो बहुत बड़ा एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन हो, चाहे छोटा एनिमल हो, चाहे वो यूनिसेलुलर एनिमल हो, चाहे वो मल्टीसेलुलर एनिमल हो, तो हर किसी एनिमल की शुरुआत सेल से होती है। हर किसी एनिमल की शुरुआत सेल से होती है। तो मिलियंस ऑफ सेल्स इकट्ठे होके और बड़े सारे सेल जब इकट्ठे होते हैं तो बनते हैं टिश्यू। फिर टिश्यू जब मिलते हैं, जब टिश्यू का आपस में कनेक्शन होता है तो वो बनता है ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन मिलके बनता है ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद बनता है एक इंडिविजुअल। अगर हम सेल की बात करें तो एक सेल के बीच में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, और सेल ऑर्गेनेल्स के बीच जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो कैसे बनता है, वो जो मेन एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उससे सेल ऑर्गेनेल्स बनते हैं। एक सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। सेल से बना टिश्यू, हम टिश्यू की ही बात करेंगे क्योंकि ये चैप्टर टिश्यू पर ही कंसर्न है। तो टिश्यू होता क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टिश्यू का डेफिनेशन क्या है। भाई मेरे बड़े प्यारे बच्चों, आपने याद रखना है कि टिश्यू का जो ओरिजिन है वो ओरिजिन हमेशा कॉमन होता है। अब जब टिश्यू की बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होंगी, हर टिश्यू जो होगा उसका जो ओरिजिन होगा वो कॉमन होगा, उसका शेप भी कॉमन हो सकता है, और उसका जो फंक्शन है वो स्पेसिफिक होगा। आगे हम बात करेंगे कि फंक्शन कैसे स्पेसिफिक होता है। और टिश्यू की स्टडी को, खासकर एनिमल टिश्यू की अगर हम बात करें, टिश्यू की स्टडी को उसको कहा जाता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी वो होती है जो स्टडी करते हैं हम टिश्यू की। और इसको पहले जो नाम दिया था किसी साइंटिस्ट ने, उसका नाम था बाइकैट। ये आपको याद रखना है, नीड पॉइंट ऑफ व्यू से ये बाइकैट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये बात मोटा मोटा आपको समझ आ गया कि टिश्यू होता क्या है। अब हमारे बॉडी में, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चार तरह के टिश्यू होते हैं, वो मैंने नाम मेंशन किए हुए हैं यहाँ पे। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और न्यूरल टिश्यू। जो एपिथेलियल टिश्यू है वो प्रोटेक्शन में काम आता है, बाहर अंदर वो एपिथेलियल टिश्यू होता है, और कनेक्टिव जो एक टिश्यू को दूसरे टिश्यू से जोड़ता है। तीसरा जो टिश्यू है मस्कुलर, जो मसल्स में से लिंक करता है, और फोर्थ इज अ न्यूरल जो नर्वस सिस्टम से लिंक करता है। ये एक मोटा मोटा आपका इंट्रोडक्शन है जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। अगर हम बात करें आगे, हम अब जो एपिथेल टिश्यू की बात चल रही है, एपिथेल टिश्यू, आखिर एपिथेल टिश्यू का एक जो मेन फंक्शन होता है, बड़ा फंक्शन, वो है प्रोटेक्शन। एपिथेल टिश्यू की लाइनिंग, जो हमारी बॉडी की एक्सटर्नल लाइनिंग है, वो एपिथेल टिश्यू करता है, जो अंदर लाइनिंग है वो भी एपिथेलियल टिश्यू करता है, और उसके जो अंदर ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन के अंदर जो लाइनिंग होती है वो भी एपिथेलियल टिश्यू करता है। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर डिस्कस करें आज के लेक्चर में, तो थोड़ा बहुत डिस्कस करूंगा मैं, फिर बाकी हम ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब ये सीरीज हमारी रेगुलर रहेगी और आगे मैं बताऊंगा क्या होगा। एपिथेलियल टिश्यू का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, अगर एक लेयर है सेल की तो उसको हम कहेंगे सिंपल एपिथेलियल टिश्यू।
अगर मल्टीपल लेयर्स हैं तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड एपिथेल टिश्यू। मान के चलो मैं एक डायग्राम बनाने जा रहा हूं, ये है एक बेसमेंट मेम्ब्रेन और ये है लेयर, ये सिंगल लेयर है, सिंगल न्यूक्लियस भी डाल देते हैं, ये सिंगल लेयर ऑफ सेल है, एक ही लेयर है, तो ये सिंपल एपिथेल टिश्यू हो गया। अगर हम मान के चलो और लेयर्स आ गई ऊपर, और लेयर्स आ गई, और लेयर्स आ गई, तो जैसे जैसे लेयर बढ़ती जाएंगी तो जितनी लेयर होंगी वो कंपाउंड एपिथेल टिश्यू होगा। तो ये आपको बात समझ आई होगी। इसके आधार और भी हैं, ये तो एक टाइप हो गया कि इसको डिफरेंशिएट कैसे किया है, सिंपल टिश्यू, सिंपल एपिथेल टिश्यू और कंपाउंड एपिथेल टिश्यू को। एक आधार वो है शेप ऑफ सेल, वो है स्कैमस कोवाइडल कॉलमनर। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये टाइल वाली जो शेप होगी वो स्कैमस एपिथेल टिश्यू होगा, इसकी शेप ही स्कैमस टाइप। कोवाइडल वाली बात होगी तो क्यूब क्यूब टाइप, इस तरह की ये कोवाइडल एपिथेलियल टिश्यू हो गया। अगर हम कॉलमनर की करें, बड़े बड़े कॉलम्स, बड़े बड़े कॉलम्स ले जाने हैं इसको ऊपर, तो ये हो गया कॉलमनर एपिथेल टिश्यूज। इसका न्यूक्लियस नीचे होता है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये शेप के आधार पे स्कैमस कोवाइडल एंड कॉलमनर एपिथेल टिश्यूज। आज का लेक्चर इतना ही है, ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, सेल के बारे में बताया मैंने, टिश्यू के बारे में बताया मैंने और एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बताया। कल जो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, आखिर एपिथेल टिश्यू का जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर कैसे होता है और उसकी जो न्यूट्रिशंस है वो कैसे मिलती है और जो उसका पैटर्न है वो कैसे होता है ये हम बताएंगे, और उसके साथ साथ जो टाइप्स हैं उसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि किस तरह की होती है, न्यूक्लियस कहाँ होता है और इसका फंक्शन क्या होता है। तो जाने से पहले, मेरे लेक्चर खत्म होने से पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं आपको 2 मिनट का समय देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, आपका स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो प्लीज इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और ये लेक्चर कैसा लगा आपको, इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज इसको कमेंट बॉक्स में करें, कोई क्वेश्चन करें, एंड थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।